मेरा रंग दे बसंती चोला वे रंग दे बसंती प्रांगण में होने जा रहे बैलून शो के द्वारा हम आकाश में गुब्बारे उड़ाकर ज्ञान के प्रचार प्रसार का संदेश देने जा रहे हैं। पहले हमारे मुख्य अतिथिगण और हमारे तीनों अध्यक्षाएं बड़ी दीदी, मझली दीदी एवं छोटी दीदी आकाश में तिरंगे गुब्बारों को उड़ाकर इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगी। तत्पश्चात हम सब उनका अनुगमन करेंगे। मेरा रंग दे बसंती चोला वे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना सौ जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले सर्वप्रथम हम शिक्षण संस्थान के वर्षति नाथ में है तो परोपकाराय सताम विभूतया। आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि सम्माननीय श्री M.S. बिट्टा जी, अध्यक्ष ऑल इंडिया आतंकवाद विरोधी मोर्चा एवं पूर्व अध्यक्ष भारतीय युवा कांग्रेस का विद्यालय परिवार स्वागत करता है। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं हमारी तीनों अध्यक्षाओं का, जिन्होंने हमारे वार्षिकोत्सव में उत्थान में पधारकर हमें अनुग्रहित किया। श्री महाराज जी के उद्देश्यों, इच्छाओं और संकल्पों को आप तीनों ने साकार रूप प्रदान किया। वर्ष पर्यंत अनेकानेक उपहारों के रूप में हमें आपका वात्सल्य प्राप्त होता है। आपके आगमन से हमें लगता है मानो आपके रूप में हम बच्चों के प्यारे श्री महाराज जी हमारा उत्साह वर्धन करने आए हों। कार्यक्रम की सफलता की प्रत्याशा में दीप प्रज्वलन हमारे देश की प्राचीन परंपरा रही है। मांगलिक दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं मुख्य अतिथि महोदय और विद्यालय की अध्यक्षा बड़ी दीदी, साथ ही मझली दीदी एवं छोटी दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि आप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करें। और साथ ही शिक्षण संस्थान के प्रबंधक श्री राम सर से भी मेरा अनुरोध है कि वे दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करें। इसी क्रम में मैं मुख्य अतिथि महोदय बड़ी दीदी जी, मझली दीदी जी एवं छोटी दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि आसन ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद। मैं राम सर से अनुरोध करती हूँ कि वे विशिष्ट अतिथि श्री M.S. बिट्टा जी, अध्यक्ष ऑल इंडिया आतंकवाद विरोधी मोर्चा एवं पूर्व अध्यक्ष भारतीय युवा कांग्रेस का स्वागत करें।
शुभ अवसर पर विद्यालय परिसर में जगत गुरु कृपालु परिषद की अध्यक्ष गण का विद्यालय परिवार कोटिशः वंदन नमन व अभिनंदन करता है। लक्ष्मण सर से अनुरोध है कि बड़ी दीदी का स्वागत कर उन्हें सम्मानित करें। इसी क्रम में राम सर से आग्रह है कि मजली दीदी का स्वागत कर उन्हें सम्मानित करें। अब मैं पुनः राम सर से अनुरोध करती हूँ कि छोटी दीदी का स्वागत कर उन्हें सम्मानित करें। धन्यवाद। पुरस्कार व्यक्ति को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है तथा कार्यों के प्रति अत्यधिक समर्पण की भावना उत्पन्न करता है व कर्म में विश्वास करने की सत प्रेरणा देता है तथा कठिन परिश्रम करने की सीख देता है। सत्र 2016-17 में हमारी छात्राओं ने शिक्षा के साथ साथ विविध क्रियाकलापों द्वारा अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास किया है। पुरस्कार वितरण की पावन बेला में मैं मुख्य अतिथि महोदय एवं बड़ी दीदी जी से याचना करती हूँ कि वे अपने कर कमलों द्वारा छात्राओं को पुरस्कृत करने की कृपा प्रदान करें और हमारे संस्थान के प्रबंधक राम सर से मेरा अनुरोध है कि कृपया पुरस्कार वितरण समारोह में अपना सहयोग प्रदान करें। कृपया तालियों से छात्राओं को प्रोत्साहित करते रहें। सर्वप्रथम मैं कृपालु बालिका प्राइमरी स्कूल की मेधावी छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया नामानुसार आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। सर्वश्रेष्ठ छात्रा कक्षा 5 से शाल्वी सोनी। सर्वश्रेष्ठ बहुप्रतिभाशाली छात्रा कक्षा 4 से श्रीयम त्रिपाठी। इसी क्रम में मैं कृपालु बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया वे मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। सर्वश्रेष्ठ छात्रा कक्षा 11 की शिफा बानो। सर्वश्रेष्ठ बहुप्रतिभाशाली छात्रा कक्षा 11 की स्वाति केसरवानी। कृपया तालियों से छात्राओं को प्रोत्साहित करते रहें। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है प्रिया शुक्ला ने। दूसरा स्थान प्राप्त किया है सौम्या त्रिपाठी ने। तीसरा स्थान प्राप्त किया है तनिषा कक्कड़ ने। कृपया तालियों से छात्राओं को प्रोत्साहित करते रहें। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा कला वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया है आशिफा बानो ने। दूसरा स्थान प्राप्त किया है तरन्नुम बानो ने। तीसरा स्थान प्राप्त किया है गुलशिदा बानो ने। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा विज्ञान वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया है नाहिद अख्तर ने। दूसरा स्थान प्राप्त किया है हेरा अंसारी ने। इसी क्रम में अब कृपालु कहना चाहूँगा कि एक हमारा ऐसा आश्रम, एक हमारा ऐसा शांति का स्थान कृपालु जी महाराज ने अपने तपों जपों से अपनी बड़ी मेहनत से तैयार किया है आने वाली जनरेशन के लिए, जिसमें हमारा राष्ट्र भी मजबूत रहे, हमारा धर्म भी मजबूत रहे और बच्चे ऐसी शिक्षा लेके जाए जो बड़े होकर के पूरी दुनिया के अंदर अपने राष्ट्र की अपने धर्म की सेवा करे और राष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा करे। एंटी टेररिस्ट लेके इससे पहले कितना दबाव था जो अन्य सरकारें रही हैं उसमें? देखो, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, पर वो जो एक मजबूती होनी चाहिए थी वो नहीं। हमारे जवानों के सिर कट जाते थे, बहनों के सुहाग उजड़ जाते थे, गोलियां चलती थी और हम समझौतों की बात करते। कांग्रेस पार्टी लगातार तो मैं किसी पार्टी का जिक्र ही नहीं करूँ, क्यों जिक्र करूँ भाई? जब मैंने कहा थी, कह दिया मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आता। मैं देखो नरेंद्र कौन कहता है, कोई कहता रहे राजनीति है, राजनीतिक लोगों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने हैं, पर मैं ये कहता हूँ राष्ट्र प्रथम राष्ट्र के लिए जो काम करता है उसके लिए अपना बचा हुआ शरीर का आधा हिस्सा भी उसके लिए तैयार है। मैं देश के युवाओं को यही कहना चाहूंगा, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर,
जिस देश की संस्कृति देश का कल्चर हमेशा मजबूत रहता है वो राष्ट्र कभी कमजोर नहीं होता। हमें उनके असूलों पे चलना चाहिए और पूरे राष्ट्र के एजुकेशन सेंटरों को जरूर कहना चाहूँगा कृपालु महाराज जी ने जो एक दिया जलाया है उसको आप भी सब मजबूत होकर चलाएं, एक सेवा के रूप में काम करें, एक व्यापार के रूप में काम करें। जो वंदे मातरम नहीं बोलते गुजरात चल रहा है वहाँ का नया कुमार वंदे मातरम, मैंने आपको कहा ना मेरा धर्म भारत मान मेरी जात वंदे मातरम। मैं फिर कहूँगा मन में वंदे मातरम, तन में वंदे मातरम, बहते हुए खून में वंदे मातरम, खंजरे कातिल खत्म जब भी करोगे हमें हमारी चीख भी निकलेगी वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।